हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इज टू टेक एयर इन टू लंग्स एंड एक्सपायरेशन इज टू रिलीज आउट एयर। ठीक है, टू टेक इन एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड टू एक्सहेल एयर, टू रिलीज आउट एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। सो देर आर टू स्टेजेस इन ब्रीदिंग। हियर इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू that lungs are enclosed or lungs lie in a cavity, in a chamber, airtight chamber, that is called thoracic cavity. So any changes in the volume of thoracic cavity causes contraction and expansion of lungs. Lungs के पास अपना बहुत ही वीक मस्कुलेचर होता है। लंग्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होती हैं। लंग्स हैव अ वेरी वीक मस्कुलेचर ऑफ इट ऑफ देयर ओन एंड दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड ड्यू टू चेंजेस इन थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में चेंजेस होने की वजह से ही लंग्स एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता किस वजह से, किस तरीके से, व्हाट आर द रीजंस दैट एयर एंटर्स इन आवर पैसेज लंग्स एंड देन इट इज एक्सहेल आउट। दैट अकर्स, द एयर इज टेकन इन एंड इज टेकन एंड इज रिलीज आउट ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंसेस इन प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है, डिफरेंसेस इन प्रेशर इन लंग्स एंड इन एटमोस्फेयर। जब तक लंग्स के अंदर और बाहर एटमोस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं आएंगे, तब तक एयर का मूवमेंट इन एंड आउट नहीं हो पाएगा। मीन्स अ प्रेशर ग्रेडियंट शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फेयर। एंड हाउ दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कैसे होता है, दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड बाय मसल्स, बाय सर्टेन मसल्स लाइक द मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ रिब्स। सो द मसल्स ऑफ रिब्स एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम दे हेल्प टू मेंटेन, दे हेल्प टू डेवलप दिस प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से एयर लंग्स में एंटर करती है और जब गैसेस एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद एयर बाहर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हाउ द एयर इज टेकन इन, मींस इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल्स ऑफ डायफ्राम, मसल्स ऑफ डायफ्राम आर कॉल्ड एज रेडियल मसल्स। मसल्स ऑफ डायफ्राम आर रेडियल मसल्स। द रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच द डायफ्राम दैट इज पुल्ड डाउनवर्ड। ये एरोज जो शो कर रहे दिखाए हुए हैं, दीज एरो दे आर शोइंग दैट डायफ्राम इज पुल्ड डाउनवर्ड, मीन्स ये नीचे की तरफ आता है, इट बिकम्स फ्लैट। नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो जो डायफ्राम की शेप होती है दैट इज डोम शेप, इस तरीके से होता है डोम शेप। लेकिन जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं देन दिस डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। ठीक, डोम शेप था, इट बिकम्स फ्लैट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक, तो इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट बिकम्स फ्लैट। कैसा हो जाता है ये, इट बिकम्स फ्लैट। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये फ्लैट हो जाता है।
on the other side, the ribs, external intercostal muscles of ribs. रिब्स में दो टाइप की मसल्स होती हैं. रिब्स की मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. सो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स दे कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू विच रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप. ये क्या शो कर रहे हैं, ये है बीच में लंग्स, पल्मोनरी कैविटी. ये लंग्स की कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी. यहां नीचे की तरफ डायफ्राम है, और ये क्या है जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द रिब्स एंड द स्टर्नम. तो ये क्या करेंगी, इंटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स दे कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू विच रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, मीन्स बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठते हैं. ठीक, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारा कि ये फ्लैट हो गया. रिब्स और स्टर्नम जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट्स अप, वो बाहर की तरफ उठ गए इस तरीके से, रेस्ट, दे आर रेस्ट एंड इट बिकम्स फ्लैट, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज. ये क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. ठीक, तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स increased, volume of thorax or thoracic cavity is increased. ठीक है, तो यहां पर volume क्या हो गया, increase हो गया. जब thoracic cavity का volume increase हो गया तो उनके अंदर जो lungs present है, automatically the lungs will also expand. जब वो cavity expand हो रही है तो lungs भी क्या होंगे, expand होंगे, and pulmonary volume increases. The volume of lungs is called as pulmonary volume. तो pulmonary volume भी क्या होगा, increase हो जाएगा. पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जब ये वॉल्यूम बढ़ गया तो यहां पर जो एयर का प्रेशर था, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. ठीक है, वो जो एयर का प्रेशर था इनसाइड द लंग्स, दैट डिक्रीजेस. ठीक है, तो पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहां पर क्या है, बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर एयर, बाहर एयर है, यहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है, और इनसाइड लंग्स, पल्मोनरी कैविटी के अंदर, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है. सो द एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर, हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर टू द लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर. इज इट क्लियर? ठीक, तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ गया. प्रेशर डिफरेंस आते ही एयर मूव्स फ्रॉम हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर टू लोअर एटमोस्फेरिक प्रेशर, एंड इन दिस वे एयर इज ड्रॉन इन साइड द लंग्स. इज इट क्लियर? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन. ठीक है, मेन चीज याद रखेंगे, द पल्मोनरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा और जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर करेगी. ठीक, देन हेयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम दैट रिलैक्सेस, डायफ्राम एंड मसल्स, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो और डायफ्राम दोनों रिलैक्स करेंगे. ठीक, बोथ विल रिलैक्स, ड्यू टू रिलैक्सेशन द डायफ्राम दैट लिफ्ट्स अपवर्ड. रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या होगा, जो पहले फ्लैट हो गया था, यहां पर फ्लैट होने की जगह वो क्या होगा, लिफ्ट्स अपवर्ड. तो यहां पर डायफ्राम लिफ्ट्स अपवर्ड. ठीक है, डायफ्राम लिफ्ट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठ गया, और वी कैन से इट बिकम्स अ डोम शेप, जैसा ये पहले था उसी शेप का हो गया डोम शेप, जिसकी वजह से अंदर कैविटी क्या हो गई हमारी, डिक्रीज हो गई. इन द सेम वे जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देन दे आर, यहां पर लिफ्ट हुई थी, ये इस तरीके से पुश्ड इनवर्ड, जो रिब्स है, रिब्स एंड स्टर्नम पुश्ड इनवर्ड, ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस. यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है थोरेसिक कैविटी का, यहां पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया. जब वॉल्यूम कम हो गया तो उसके अंदर जो एयर थी वो, उसका प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया. तो मींस अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर, यहां पर प्रेशर क्या है, कम, और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर विल बी ड्रॉन आउटसाइड,
air will be released outside, because air will move from higher atmospheric pressure to the lower atmospheric pressure. जहां ज्यादा है वहां से कम प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, एंड इन दिस वे आफ्टर गैस इज एक्सचेंज द एयर इज रिलीज्ड आउटसाइड. इज इट क्लियर? ठीक. तो इस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, और वो किस वजह से हुआ? बाय मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड बाय द मसल्स ऑफ रिब्स. ठीक. दिस इंस्पायरेशन दैट इज अ एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन के लिए एनर्जी चाहिए. तो यहां पर इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस. व्हाइल ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन में क्या होता है? ओनली रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज देयर. कोई भी और अदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, जो मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी दे आर रिलैक्सिंग हियर. तो दैट्स व्हाई इट इज अ पैसिव प्रोसेस. एक्सपायरेशन क्या होता है? पैसिव प्रोसेस, एंड इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, दैट इज अ पैसिव एंड इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. दैट अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं. एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम कुछ एक लिमिट तक फोर्सफुली और एक्स्ट्रा एयर हम इनहेल कर सकते हैं, या फिर फोर्सफुली हम और एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल कर सकते हैं. दैट फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन और फोर्सफुल ब्रीदिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय सर्टेन अदर मसल्स ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है, सम अदर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स आर देयर विच हेल्प इन फोर्सफुल ब्रीदिंग. क्लियर? ठीक. हियर अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. 12 to 16 टाइम्स पर मिनट अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ्स. एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथ होती है, मीन्स 16 टाइम्स एयर एंटर्स इन एंड आउटसाइड. इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. थैंक यू.